सोनीपत ब्रेकिंग न्यूज। सोनीपत नगर निगम क्षेत्र वासियों को मिली 43 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। मेयर निखिल मदान की अध्यक्षता में वित्त एवं अनुबंध कमेटी की बैठक हुई संपन्न। राजधाना रोड पर आईटीआई चौक से बंदेपुर सरकारी स्कूल तक सड़क बनाने का रास्ता हुआ साफ। जल्द शुरू होगा सड़क निर्माण। नगर निगम क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए सर्वसमिति से 43 करोड़ रुपए का बजट हुआ स्वीकृत। सोनीपत से अर्थ प्रकाश के लिए आदेश त्यागी की रिपोर्ट। समिति की मीटिंग थी जिसके अंदर तकरीबन 36-37 प्रस्ताव रखे गए हैं। शहर के जो अहम मुद्दे हैं, जो अहम विकास कार्य होने वाले थे, उनके प्रस्ताव रखे गए हैं। तकरीबन 43 से 45 करोड़ के काम आज इसमें पास कर गए हैं, जिसमें जो मेन सड़क हमारी आईटीआई रोड की थी वही पास कर दिया गया है, और हमारे जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के काम होते हैं पानी के, सीवेज के, वही पास कर गए। हर तकरीबन हर वार्ड के इसके जो डेवलपमेंट वर्क थे हमारे, हमने इसमें लिए। और जो हमारे शहर में जहाँ जहाँ पर सीवर लाइन की बदलने की जरूरत थी, पहले उन काम के ऊपर भी जोर दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे काम लिए गए हैं जो सीवरेज जहाँ पर चेंज हो गए, जो बहुत पुराने 35-40 साल पुरानी लाइन थी जहाँ लोगों की बार बार शिकायत आती है, वो इसके अंदर हमने पास किया। और ये कुछ ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।